हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अतुल मित्तल, ऑथर ऑफ द बुक्स क्रक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक इन इंडिया आर। डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक इन इंडिया कौन से हैं? SBI, HDFC, ICICI और पंजाब नेशनल बैंक। आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक क्या होते हैं? देखिए, RBI डिक्लेयर करता है कौन कौन से बैंक डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक है। 14 मार्च 2019 को लेटेस्ट जो RBI ने अनाउंस किया है, SBI, HDFC एंड ICICI बैंक है जो वो डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक अनाउंस किया। ये बैंक बहुत बड़े बैंक हैं, SBI हो गया, HDFC, ICICI बैंक हो गया, ये बैंक बहुत बड़े हैं, इनकी विदेशों में सब जगह इनकी ब्रांच है। अगर ये बैंक डूब गए, ये बैंक डूब गए तो ये मान के चलिए इकोनॉमी भी डूब जाएगी, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बैंकिंग सेक्टर में डूब जाएगा, क्योंकि ये बैंक इतने बड़े हैं। और इन बैंकों के डूबने से पूरा मार्केट, पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। इन पर डिपेंडेंट जितने भी हैं, NBFC है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो बैंकों पर डिपेंडेंट है, और छोटे छोटे बैंक है, तो पूरी इकोनॉमी ही धराशायी हो जाएगी। तो RBI हर साल डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक डिक्लेयर करता है। अगर कोई चेंज है तो चेंजेज बताता है। तो फ्यू बैंक, व्हाट इज DSIB? DSIB आर परसीव्ड एज बैंक विच आर इक्वलेंट ऑफ टू बिग टू फेल इन अदर कंट्री। बहुत बड़े, अगर ये फेल हो गए तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। रिक्वायरमेंट क्यों? ए फ्यू बैंक एज्यूम सिस्टेमिक इम्पोर्टेंस ड्यू टू देयर साइज, क्रॉस ज्यूरिडिक्शनल एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, लैक ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इनको रिप्लेस करना मुश्किल होता है, बहुत बड़े हैं। द डिसऑर्डरली फेलियर ऑफ दीज बैंक हैज़ दी प्रोपेंसिटी टू कॉज सिग्निफिकेंट डिसरप्शन टू दी एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडेड बाई बैंकिंग सिस्टम एंड इन टर्न ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर ये बैंक फेल हो गए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इनको डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपोर्टेंट बैंक डिक्लेयर करने से क्या होता है कि इन बैंकों को ज़्यादा कैपिटल सेट असाइड करनी पड़ती है, कि इनको जितना भी डिपॉजिट आया कस्टमर से, तो जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा इनको मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मान लो कोई फेल हो गए, कुछ हो गए, तो किसी पे कोई दिक्कत ना हो डिपॉजिटर को। तो बैंक्स फॉलिंग इन DSIB कैटेगरी नीड टू सेट असाइड मोर कैपिटल पर लोन देन देयर पीयर टू प्रिवेंट ए कॉन्टेजियन इफेक्ट विच कैन पोटेंशली वे डाउन अदर बैंक इन फाइनेंशियल सिस्टम इफ देयर इज ए क्राइसिस। तो इनको क्या, कैपिटल सेट असाइड ज़्यादा करके रखनी पड़ती है। तो तीन बैंक है, SBI, HDFC एंड ICICI। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 और 2 नहीं है, 1, 2 और 3। SBI भी है, HDFC, ICICI। तो 1 और 2, 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर इसका बी है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आजकल आप देख रहे हो बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर की कोई ना कोई आपको न्यूज मिलती जा रही है कि बैंकिंग सेक्टर में NPA बढ़ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की हालत ख़राब है, लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में। और अभी आपने रिसेंट में न्यूज पढ़ी होगी कि गवर्नमेंट ने कुछ बैंकों को मर्ज कर दिया है और कुछ बैंकों को अभी प्राइवेटाइज करने की बातें चल रही हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फ्रेंड्स।